हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैटीनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज एक और रेसिपी के साथ आई हूँ आप लोगों के साथ। ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ मैं कैसे बनाती हूँ गोभी मंचूरियन। सभी कोई अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, तो आज मैं अपना स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे। तो चलिए, इसके लिए मैं एक गोभी ले ली। ये बहुत बड़ा गोभी है, तो इसका छोटा छोटा देखिए मैं साइड में फ्लोरेट्स निकाल के रखी हूँ। वैसे फ्लोरेट्स वो आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ। उस तरीके से निकाल के छोटा छोटा काट लीजिएगा। एक एक फ्लोरेट्स को भी हाफ हाफ पीस कीजिएगा, और ज़्यादा बड़ा रहा तो उसे 3 पीसेस भी कर सकते हो। जितना छोटा रहेगा उतना टेस्टी रहेगा, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो मसाला अंदर तक नहीं जाता है। तो मैं इसे थोड़ा ब्लंच कर चुकी हूँ, करके वाटर ड्रेन करने के लिए रखी हूँ। अब इसमें चलिए एक एक करके सब स्पाइसेस मिक्स कर लूँ। सबसे पहले सॉल्ट, जो हमेशा खाने की जान रहती है, एंड दिस इज़ एरोमेट पाउडर। आप लोग जानते हो हम लोग अजीनोमोटो यूज़ नहीं करते हैं। ये एरोमेट पाउडर आप कोई भी बड़े स्टोर्स वगैरह में जाओगे तो मिल जाएगा, ये छोटे स्टोर्स में नहीं मिलते हैं। ये चिली पाउडर है, एंड चिली पेस्ट भी दे सकते हो आप लोग चिली पाउडर की जगह, एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून विनेगर, और ये बड़ा 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस ना हो तो आप लाइट सोया सॉस भी दे सकते हो, एंड 1 टेबलस्पून टमेटो केचप। अब इसमें मैं 3 टीस्पून मैदा दे रही हूँ। मैदा और कॉर्नफ्लावर आप लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हो, बाइंडिंग के लिए कितना कम बेसी लगता है। मैं इसमें 3 टीस्पून मैदा और 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर दी। अब आप लोगों को कम बेसी लगा तो आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू ऑल, बट मैं ऐड नहीं करूँगी, बहुत लोग ऐड करते हैं। अब मैं इसे धीरे धीरे मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं मिक्स की, देखिए अब इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। तेल अच्छा से गरम कर लीजिएगा ये फ्राई करते वक्त, वरना ये चिपकने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग एग ऐड नहीं करते हैं। तो मैं पहला हीट मींस तेल को बहुत हीट कर चुकी, उसके बाद थोड़ा मीडियम की तेल को मींस जलाने के बाद, और ओवरलोड नहीं कीजिएगा, जितना ऑयल है उस हिसाब से ही फ्राई कीजिएगा। देखिए ये सेकेंड पार्ट भी सेकेंड साइड भी हो गया। मैं इसे अब निकालूंगी। मैं ज़्यादा कोटिंग नहीं दी, ज़्यादा कोटिंग अच्छा नहीं लगता है, वो पूरा कॉर्नफ्लावर और मैदा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब एक पेस्ट बनाती हूँ। ये चिली पेस्ट है, ये मेरा होममेड चिली पेस्ट है। ये हस्बैंड बना के रखे थे घर पर, तो मैं निकाल के ये मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। ये 3 टीस्पून ली हूँ यहाँ पे, एंड अभी यहाँ पे इसमें सोया सॉस लूँगी। ये डार्क सोया सॉस है, 2 टीस्पून। अब इसमें केचप जाएगा, ये टमेटो केचप है, ये भी 2 टीस्पून दूँगी। ये सब देखिए ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से दे रही हूँ, आप लोगों को कम बेसी आप लोग कर सकते हो, इट्स टोटल अप टू यू। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, सब सॉस में सॉल्ट रहता है तो मैं ज़्यादा सॉल्ट नहीं दी, और थोड़ा सा शुगर भी ऐड की हूँ। अब इसमें थोड़ा सा एरोमेट पाउडर भी ऐड कर दूँगी। अब इसे पूरा मिक्स करना है। यहाँ देखिए चॉप्ड जिंजर गार्लिक है, ये स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, अनियन एंड चॉप्ड ग्रीन चिली। अब इसे अच्छा से फ्राई करना है, अच्छा से सॉटे करना है गोल्डन ब्राउन तक। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मंचूरियन का, और जिंजर गार्लिक में गार्लिक एंड जिंजर का प्रोपोर्शंस एकदम 50-50 फुल्ली रहेगा। देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब इसे अच्छा से मिक्स करने के बाद इसमें जो बनाया गया, जो हम लोग मिक्सचर रखे थे ना, वो सॉस का एक कटोरी में अब वो ऐड कर देंगे। देखिए ये ऐड कर चुकी, अब इसे भी मिक्स करना। हस्बैंड चिली पेस्ट बना के रखते हैं ना घर पे, तो हमारे लिए चिली चिकन वगैरह चाइनीज़ फूड बनाने में बहुत इजी हो जाता है, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है।
चिली पेस्ट का अगर रेसिपी चाहिए होगा किसी को तो बताना, मैं हस्बैंड को बोल करके एक बार शेयर करूँगी। देखिए उसी कटोरे पे थोड़ा पानी देकर मैं मिक्स कर दी, उसे दे दी इसमें अच्छा से। इस दौरान मैं एक कटोरी पे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर भी मिक्स करके रखी हूँ साइड में, क्यों वो तो ग्रेवी के लिए लगेगा, बट अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्यों मैं फुल ड्राई मंचूरियन नहीं बना रही हूँ, सेमी ग्रेवी, सेमी ड्राई बोल सकते हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी मींस रहेगा, हल्का हल्का ग्रेवी, वो पानी नहीं रहेगा, मींस गोभी को तो पूरा डुबोना है ना, उस हिसाब से पानी दीजिएगा, ये वो तरकारी सब्जी करी के जैसा ग्रेवी ग्रेवी नहीं होगा। पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर चुकी हूँ। अब इस पानी में बॉयल आने तक वेट करना है, और इस टाइम आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो सॉल्ट शुगर वगैरह। अब देखिए ये मैं स्लरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लावर का, मैं अब इसे ऐड कर दूँगी, अंदाजन से ऐड कीजिएगा आप लोगों को किस तरीका का ग्रेवी चाहिए। और अगर आप लोग ड्राई मंचूरियन मांगते हैं तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त गोभी ऐड कर दीजिएगा। देखिए अब मैं गोभी ऐड कर चुकी हूँ, अब इसे अच्छा से मिक्स करना। देखिए मेरा ग्रेवी का कंसिस्टेंसी देखिए, ये इतना ही पानी मैं दी हूँ जितना मेरा गोभी सोख हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं दी। देखिए ये कितना यमी लग रहा है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत अच्छा बनता है, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। देखिए मेरा गोभी मंचूरियन बन के टोटली रेडी है, बहुत। अगर आप लोग कोई चाहो तो इसमें सेसमी सीड्स भी ऑपर से गार्निश कर सकते हो इफ़ यू ऑल वांट। अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ, ये मैं डिनर के लिए बनाई थी, तो चलिए अब डिश आउट कर दूँ। डिश आउट करके इसे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और स्प्रिंग अनियन के संग गार्निश कर देती हूँ। मंचूरियन रेसिपी में कोरिएंडर लीव्स मस्ट होता है, ज़रूर दीजिएगा, ये फ्लेवर बहुत इन्हांस कर देता है। ये टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। मैं डिनर के लिए वेज फ्राइड राइस बनाई थी, आप लोग रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं, आप लोग तब तक वीडियो देखो, अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, एक नए दिन एक नए वीडियो के संग फिर से आऊँगी मैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा।